सो गल यूके की करन जा रहे हैं। सवाल कई तरह के स्टूडेंट्स के साढ़े को आते हैं। सो आप जिथे ऑप्शन की गल करा कि हूँ ईयर एंड दे विच की हले भी कुछ गुंजाइश बची है जेडे स्टूडेंट्स यूके वीज़ा लिए अपलाई करना चाहते हैं, नाल स्पाउस वीज़ा लिए अपलाई करना चाहते हैं, और 2024 के इनटेक्स बारे भी गल करना चाहेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स साढ़े को हमेशा सही चंगी ऑप्शन बारे भी पूछते हैं। बहुत चंगी प्रोफाइल्स होंगे हैं जेडे साढ़े को चंगी ऑप्शन या स्कॉलरशिप्स बारे भी सवाल आते रहते हैं। सो इन तमाम सवाल ताकि असी हर तरह की प्रोफाइल जो है इनकलूड कर सकी है, तो अड़े हर तरह की प्रोफाइल ना जुड़े सवाल शामिल कर सकी है, कोशिश साड़ी पूरी रहेगी। स्वागत है जी सारे का। मैं हाँ हरजोत कौर, अज यूके नू लेके खास गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करन जा रहे हैं। नेविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साढ़े नाल ने, बहुत बहुत स्वागत है मैम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो मैम का 26-27 साल का एक्सपीरियंस है, सो कई तरह के बदलाव होंगे मैम ने देखे ने, कद किस कंट्री ने अपने रूल चेंज किए, उन्होंने रूल्स चेंज होने के नाल किस तरह का असर वेखन को मिलया, वीज़ा सक्सैस रेट कदों वधे या कदों डाउनफॉल भी आपां नूं वेखन को मिलया। फिलहाल आप जब यूके की गल करते हैं मैम, सब तो पहले जो आप गल करिए जिहड़े हुण रूल्स चेंज हो गए ने, की इस दे नाल स्टूडेंट्स का रुझान यूके नूं लैके घटिया, या फिर यूके का जिहड़ा एक प्लस पॉइंट है कि एक चंगा सक्सैस रेट देने वाली कंट्री, वो जिहड़ा प्लस पॉइंट है अज भी स्टूडेंट्स के जहन में है, तो उस ढंग के नाल फाइलिंग हो रही है? देखो, 4-5 साल तो यूके ने अच्छा वीज़ा दिता और बहुत दिता है। हुण जाके इन्होंने स्पाउस वीज़ा जिहड़ा 1 जनवरी तो बंद किया है, उहदे कारण कुछ यूनिवर्सिटियां दे नवंबर दिसंबर इनटेक भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो जिहड़े भी स्टूडेंट स्पाउस नाल जाना चाहते हैं, 5.5 ईच है या विदाउट आइल्स है बट इंग्लिश मीडियम स्कूल च पढ़े हुए है, तो वह सारे यूके हजे भी अप्लाई कर सकते हैं। हजे कोई टाइम मतलब उन्होंने हाथ है, हजे मतलब नवंबर दिसंबर इनटेक जिहड़ा करता है इन्होंने, उन्हां दी रिक्वायरमेंट की है। मास्टर्स वाले बच्चों वास्ते आपां गल कर रहे हैं क्योंकि स्पाउस वीज़े की गल हो रही, बाकियों वास्ते तो सेम ही चल रहा अंडर ग्रैड या ग्रैड वाले, तो हुण जिहड़े मास्टर्स वाले बच्चे 1 ईयर मास्टर्स करके 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, और ज हसबेंड वाइफ या बच्चा सारे कट्ठे जा सकते, एक लालच फैमिली नूं इह रहिंदा है कि असीं कट्ठे चले जावांगे, इमोशनली असीं कट्ठे नाल रह सकते हैं, और 1 साल का क्योंकि यूके की जिहड़ी मास्टर्स है वह 1 ईयर की है, आल ओवर वर्ल्ड वैलिड है। अच्छा, फीसां का भी 10,000 पौंड तो लैके तुसीं 30-35 हज़ार पौंड जो मर्जी लै लो, हर किस्म के जिहड़ी है कॉलेजिज का जिहड़ा जिन्ना क जिन्हों कह लो कि हाई रैंकिंग कॉलेज उहदी ज़्यादा होएगी, जिहड़ा थोड़ा एक मीडियाकर होएगा उहदी फीस थोड़ी घट होएगी। हुण जिहड़ा बच्चा एक्सपीरियंस लैन जा रहा है फॉरन एक्सपोजर का एब्रॉड स्टडीज़ का, वो एक मिडल क्लास फैमिली तो है, वो एक 10,000 तो लैके 15-17 हज़ार पौंड की फीस लैके कंफर्टेबली 10 लाख तो लैके 15-16 लाख वो जा सकते हैं। हुण साल की फीस दे नाल तुसीं ये देखो कि उहदी जिहड़ी मास्टर्स होगी मेन एप्लीकेंट की, स्पाउस नूं जिहड़ा 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इन्हां दे नाल मिल गया अलग तो, ते इन्हां दे कोल 3 साल का टोटल उत्थे रहण दा टाइम हो गया, उहदे बाद भी जे अच्छी जॉब लै लैंदे आ ते उत्थे एक्सटेंड हो जांदा है। और मान लो कि हुण इह किसे वजह नाल इन्हां दा नहीं बणिया, ते 1 जनवरी दे बाद जिहड़ा रूल चेंज है उहदे विच इह है कि मेन एप्लीकेंट कल्ला जाएगा, स्पाउस या बच्चे नाल नहीं जा सकते, बट जब 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट होएगी 4+4 मंथ्स का जिहड़ा है 2 सेमेस्टर होंगे 8 मंथ्स के, उहदे बाद स्पाउस और अपने बच्चे नूं बुला सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा ते। और इहदा मतलब कि तुहानूं उस टाइम वेट करना पेगा थोड़ा जिहा, जिहड़े हजे तुसीं अप्लाई करदे हो तो तुहानूं हजे कोई वेट नहीं करना पेगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी टाइमली स्टूडेंट्स को अप्लाई कर देना चाहिए ता कि मौके पर तुहानू ऑफर लैटर मिल जाए, टाइमली तुहाडा सारा प्रोसैस होवे, टाइमली तुसी अपना जो है वीज़ा भी हासिल कर सको। सो मैम, आप इस साल दे विच अगर गल करिए ता किहड़े इनटेक दे लई स्टूडेंट हले भी अप्लाई कर सकदा है? मैं तुहानू दस्सिया ना, नवंबर दिसंबर दे इनटेक कुछ यूनिवर्सिटियां ने अपने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, तो उहदे विच स्टूडेंट 1 जनवरी तो पहला सारे एलिजिबल है, जिहड़ा फैब इनटेक है उहदे बाद उहदे विच जिहड़े है मेन एप्लीकेंट कल्ला ही जाएगा, और बैचुलर वालियां दे ते कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सेम ही चल रहा है, उन्हां दा कोई चेंज नहीं है, 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने हैं, इनर लंडन दा और आउटर लंडन दा जिहड़ा थोड़ा बहुत फर्क रहिंदा फंड शो दे विच, 1 ईयर दी फीस दिखानी है, तो ये इन्हां दा टोटल हुंदा 28 दिन पुराने फंड्स दिखाने हैं, मतलब एक रफली तुसीं कह लो कि 6 महीने की फीस जो पे की हुई है बच्चे ने,
तो 6 महीने की फीस नाल 17-18 लाख इन्हों शो मनी आती है 28 डेज होल्ड वाली और जो स्पाउस नाल जा रहा कुछ एडिशनल वो दिखानी है और बच्चा नाल जा रहा तो कुछ एडिशनल उन्होंने दिखानी जी जी बिल्कुल सो स्टूडेंट्स देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर स्पाउस वीजा ले हले भी अप्लाई करने बारे सोच रहे हो मौका तुहाडे कोल हले भी है सो चंगे ढंग नाल तैयारी एक चंगा कंसल्टेंट ही करवा सकता है क्योंकि घट समय में गलतियाँ गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है गलतियाँ की सो एक चंगे कंसल्टेंट की सलाह नाल वध दिओ तो गलतियाँ की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती सही ढंग नाल सही प्रोसैस के नाल अगे वधदे होए तुसीं अपना वीज़ा हासिल कर सकते हो सो उम्मीद करती हाँ कि अज काफ़ी चीज़ों की कलैरिटी जो है स्टूडेंट्स नूं हो चुकी है इस दे बावजूद कोई सवाल होण क्योंकि अलग अलग तरह की हरेक स्टूडेंट की प्रोफाइल हुंदी है किते ना किते कोई ना कोई पॉइंट जिहड़ा है डाउट पैदा कर रहा हुंदा है तो स्टूडेंट नूं असीं जरूर कहना चाहांगे अप्लाई करन बारे सोच रहे हो चीज़ां हले क्लीयर नहीं हो रही नंबर डिस्प्ले इसे लिए किया होया तां कि तुसीं टाइमली इस नंबर पर कॉल करके नैविगेटर्स ओवरसीज की टीम के नाल राबता कायम करो मैम नूं मिलना चाहते हो उन्हां तों सलाह लैना चाहते हो तो नैविगेटर्स ओवरसीज के ऑफिस विजिट करो अपने डॉक्यूमेंट जरूर लैके आना ताकि असैसमेंट करन तों बाद तुहानूं सही चीज़ां गाइड कीतियां जा सकन बहुत बहुत थैंक्स मैम अज यूके नूं लैके तुसीं ये सारी बहुत चंगे ढंग नाल इनफॉर्मेशन स्टूडेंट्स नाल सांझी कीती अगों भी असीं होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहांगे अज लई सानूं दिओ जी इजाजत थैंक यू सो मच